ने जैसे ही अंदर आकर घुस चुके थे वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे और वो सारे ज़ॉम्बीज चाहते थे हम मर जाएं। और जिसके बाद वहां पे सारे ज़ॉम्बीज को जैसे ही हमने मारा और वो कैसे मरे ये जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखना। वहां से हीरो ब्रेन आ रहा होता है और वहां पे जैसे ही पुलिस उससे पैसे मांग लेती है वो VIP कार्ड देकर बच जाता है। डॉग ने अपनी आंखों से जैसे ही देखा उसने देखा वहां पर एक कुकी जमीन पर गिर चुका है और न जाने कैसे डॉग के ऊपर एक गाड़ी आकर चढ़ जाती है और वो गाड़ी न जाने उसके साथ कुछ नहीं करती और इस दुनिया के अत्याचार से थक हार कर वो डॉग अपनी भूख मिटाने के लिए वहां पर चला जाता है एक लड़की के पास। वो लड़की को काट खा लेता है। वहां पर नूब आ जाता है और वो नूब ले जाता है विच के पास। विच वहां पर पोषण बनाई रही होती है और वहां पर विच का पोषण इन्फेक्टेड हो जाता है। अनइन्फेक्टेड होने की वजह से विच काफी गुस्से में थी। विच जैसे ही जानती है उस लड़की के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार हुआ है वो लड़की बन जाती है डेविल एम्परर और उसे रस्सी से बांधना पड़ जाता है। विच अपनी मुंडी ना में हिलाती है। विच वहां पर दौड़ के चली जाती है। विच अपनी किताब जैसे ही खोल लेती है उसे पता चलता है हमें हिमक्लीन फ्लावर चाहिए होगा तभी ये बच्ची बच सकती है। वो लड़का अपना हाथ उठा लेता है। एक आदमी शिकारी करने के लिए अपनी एरो निकाला होता है वो अपने सर में हाथ रख लेता है और हिमक्लीन फ्लावर के बारे में पूछ लेता है। वो शिकारी उसे हिमक्लीन फ्लावर का लोकेशन दे देता है। वो ज़ॉम्बी वहां पर आ चुका था। जैसे उसकी नजर पड़ती है हिमक्लीन फ्लावर पे वहां पर वो खींच रहा होता है तभी आयरन गोलेम वहां पे आ जाता है। आयरन गोलेम उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। न जाने क्यों आयरन गोलेम उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। वहां पर आयरन गोलेम उसे समुद्र में फेंक देता है। आयरन गोलेम की समुद्र में फेंकने की वजह से वहां पे कुछ बच्चों की नजर पड़ जाती है उस बच्चे पर और वहां पर वो जैसे ही देखते हैं वहां पर एक बच्चा पड़ा हुआ है और वो बच्चा और कोई नहीं है। तभी वहां पर ज़ॉम्बी बोलता है इसे तो हम ठीक कर देंगे और ज़ॉम्बी वहां पर उसे ठीक कर देता है। ज़ॉम्बी की टोली वहां पर सोची थी कि अगर हम इस दुनिया को बचाना होगा तब वहां पे उस NDTO को वहां पर मारना होगा। रॉक वहां सोचता का सोचता रह जाता है और रॉक के दिमाग में अचानक से आइडिया आ जाता है और रॉक उसे अपने पास बुला लेता है। तभी वहां पर ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन एक लड़के को बुला लेती है और वो उसका बेटा होता है। तभी वहां पर एक और लड़की चली जाती है। तभी वहां पर डेविल डॉग वहां पर पहुंचने लगता है और वो एक लड़की का धीरे धीरे करके पीछा करने लगता है। वो लड़की को काटने वाला होता है। तभी उसका एक पर्सनल सा डॉग आ जाता है और वो डॉग से काफी ज्यादा प्यार किया करती थी और जिसके बाद वो आज जैसे ही अपने मॉम से जाकर गले लगती है उसे कुछ ना कुछ शौक जाता है। वो डॉग वहां पर खजाना ढूंढना चाहता था और जिसके बाद उसे खजाने ढूंढने के लिए उसकी आंखें लाल थी लेकिन वहां पर आ जाता है वही ज़ॉम्बी और उसे वहां से मारकर भगा देता है। और वहां पर आ करने के बाद उसे लड़की को लगता है ये कुछ ना कुछ पाने के लिए मेरे डॉग को यहां पर बंदी बना रहा था और जिसके बाद उस लड़की ने उस लड़की को मार दिया होता है और जिसके बाद वो काफी उदासी से चला जाता है और वो लड़की अपने डॉग को बचाने लगती है। और वहां पर जैसे ही वो सोने जाती है वहां पर वो डेविल डॉग हल्ला करने लगता है और वो अपने आसपास के सारे लोगों को बुला लेता है और जैसे ही वहां पर सारे डेविल लोग इकट्ठा हो जाते हैं वो डॉग वो लड़की जैसे ही बाहर जाकर देखती है वहां पर उसका ही डॉग उसे काटने के लिए आने लगता है। वहां पर जैसे ही वो अपने मॉम डैड को देखती है उसे पता चल जाता है उसके मॉम डैड बन चुके हैं डेविल और जैसे ही वो देखती है पूरे गाँव के लोगों को वहां के पूरे गाँव के लोग बन चुके थे डेविल तभी वो वहां से बैठ जाती है। तभी वहां पर आ जाता है एक लड़का। तभी वो उसे बताता है मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ और जिसके बाद वो पूरी बातें बताती है। तभी वो फैसला करती है मैं अपने डॉग को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और वहां पर वो ज़ॉम्बी से मिलती है और ज़ॉम्बी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। बेचारा ज़ॉम्बी जब आखिरी बार सोया था वो अपने 1 रुपए को ढूंढ रहा था। तभी वहां पर 1 रुपए तो नहीं मिलता लेकिन चिकन को निकल जा रही थी उसकी मॉम डैड कुछ ऐसे जैसे मानो कि कैसे कुछ भी खा लिया हो और वहां पर ज़ॉम्बी काफी ज्यादा रो रहा था और बस उनकी एक ही आदमी मदद कर सकता था जो कि नूब है। और वो लड़की कहती है हमने इसके ऊपर गलती शक किया और जिसके बाद वो बोलता है रुको तुम सब यहां पर रुको मैं उस डॉग को मारकर आता हूं। लेकिन वहां पर वो रोते रोते बाहर चला जाता है क्योंकि उसके जान को खतरा था। उसके जान को खतरा इसलिए था क्योंकि वो जा रहा था अकेले उस डॉग से फाइट करने। तभी वहां पर हीरो भी उसके साथ मिल जाता है और वहां पर हीरो के भी मॉम डैड टॉर्मेंट से बन चुके थे डेविल। हीरो के जितने भी बच्चे थे और जितने भी बुजुर्ग थे वो बुजुर्ग बन चुके थे सारे के सारे डेविल। तभी उनके घर में आ जाते हैं वही ज़ॉम्बी मॉम डैड जो कि रेड आई थे वो सब उन्हें खाने वाले थे और ज़ॉम्बी की डैड ही उसे खाने वाले थे आज। और जिसके बाद वहां पर वही डॉग आ जाता है। तभी वहां पर वो ज़ॉम्बी अपने बेटे को ही खा लेता है। तभी वहां पर स्केलेटन की आंखें लाल हो जाती हैं और विदर स्केलेटन डायरेक्ट अटैक करने चला जाता है और जिसके बाद वहां पे जितने भी लोग थे
विदर स्केलेटन को कुछ भी नहीं बोल पाती। विदर स्केलेटन की सिस्टर वहां से चली जाती है और विदर स्केलेटन की सिस्टर आ जाती है हीरो के पास। तभी हीरो बताता है हमें एक बहुत बड़ी जर्नी में जाना होगा अगर वो रेड वाला फ्लावर चाहिए। वहां पर वो पूरी बात तो बता देती है। तभी वहां पर नूप बोलता है हमें एक बहुत बड़ी जर्नी तय करनी होगी और वहां से वो लोग चले जाते हैं। तभी वहां पर वो सारे के सारे लोग वहां पर उन्हें मारने आ जाते हैं और जिसके बाद वो लोग वहां पर कुछ भी नहीं करवाते हैं और वहां पर सारे के सारे लोग उस लड़की को ही काटने के लिए आए थे। लेकिन वो लड़की जैसे तैसे करके अपनी जान बचा लेती है और उसे एक दिन याद आता है ये डॉग मुझे ऐसे मिला था, मैं अपने स्कूल से जब आ रही थी मेरा ही डॉग मुझे काट लेता है और जिसके बाद वो मर जाती है। ये दोनों हिमक्लीम फ्लावर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जिसके बाद ये लोग हिमक्लीम फ्लावर को पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जैसे ही नूप बताता है यहाँ पर एक गार्डियन रहता है और जैसे ही वो बताते हैं तरकीब बना लेते हैं, एक ट्रैप बनाकर उस गार्डियन को भी मार देंगे और यहाँ से वो फूल भी ले लेंगे। लेकिन उसकी पैन गीली हो जाती है और जिसके बाद वो फ्लावर को बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि वहां पर सब लोग टॉर्मेंट में फंसे हुए थे। उन दोनों को देख लेता है और जिसके बाद गार्डियन वहां पर आ जाता है और गार्डियन उन दोनों को मारने के लिए कुछ भी कर सकता था। गार्डियन वहां पर अचानक से एक मुक्का मारता है जमीन में और तभी वहां पर वो जॉम्बी उसके मुंह में कूद देता है और तभी हीरो वहां पर एक अपने दिमाग लगाकर 100 IQ से ट्रैप बनाता है और वहां पर वो सोचते हैं आज वो गार्डियन को मारकर काफी ज्यादा लूट करेंगे और अपना नाम बना लेंगे। लेकिन वहां पर गार्डियन काफी ज्यादा शक्तिशाली था और जिसके पास शक्तिशाली गार्डियन वहां पर अटैक करने लगता है हीरो की नजर पड़ती है और वहां पर रैबिट उस ट्रैप में जाकर गिर जाता है और गार्डियन को पता चल जाता है ये लोग मेरे लिए वहां पर ट्रैप बना रहे होते हैं और जिसके बाद वो गार्डियन उन्हें मारने लगता है और जिसके बाद वो गार्डियन वहां पर आकर एक जगह पर हल्ला बोलने लगता है और वहां पर आ जाता है। तो पूरी बातें बताता है, वो सच बोल देता है मेरे गांव के जितने भी लोग हैं वहां पर सब मरने वाले हैं और वो गार्डियन से काफी मदद मांगता है और जिसके बाद गार्डियन को भी शर्मिंदगी होती है और जिसके बाद गार्डियन की मदद से वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं फ्लावर को तोड़ने। लेकिन वो फ्लावर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था और वहां पर गार्डियन को ही जाना पड़ता है उस फ्लावर को तोड़ने के लिए और वो गार्डियन फ्लावर को तोड़कर उन लोग को देने लगता है और वो गार्डियन को काफी ज्यादा शुक्रिया करते हैं और वहां से वो चले जाते हैं। वो चलते चलते एक मछुआरे को देखते हैं, वहां पर एक मछुआरा जाकर मछली पकड़ने लगता है लेकिन वो पानी में गिर जाता है और वैसे ही उसकी नजर पड़ जाती है और वहां पर जाकर वो अपने दोस्त को बचाने लगता है। वहां पर वही मछुआरा था लेकिन वहां पर अचानक से वो फ्लावर भी चला जाता है समुद्र के अंदर जो कि नहीं जाना था और जिसके बाद उन दोनों की नजर पड़ती है और वो फ्लावर जा चुका था। तो बोलते हैं अब हम क्या करेंगे और जिसके बाद वहां पर एक मछुआरा मछुआरा कर रहा होता है और जिसके बाद उसकी नजर पड़ती है सुंदर से फ्लावर में, वो फ्लावर को वो उछाल लेता है और जिसके बाद वो तीनों आ जाते हैं अपने फार्म में और जिसके बाद वो अपने डैड से जाकर गले लगता है और बताता है मेरे जितने भी दोस्त हैं इनका बहुत घाटा हो चुका है। लेकिन वो दोनों को पैसा देता है कि वो अपने घाटे को पूरा कर सके। लेकिन वो जैसे ही अपने घर के अंदर बुलाता है उन दोनों को, वहां पर वो खाना बनाकर उन तीनों को खिला देता है। वो लोग खाना खाने के बाद काफी ज्यादा रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें वो वाला फ्लावर जो मिलना था वो छूट चुका था समुद्र के अंदर और जिसके बाद वो लोग आखिरी बार उन्हें अलविदा कहते हैं और वहां से वो चले जाते हैं और जिसके बाद वो अलविदा कहकर वहां से चले तो जाते हैं। वहां पर एक मछुआरा वो फिश के साथ रख के उस फ्लावर को बेच रहा होता है और जिसके बाद उस फ्लावर को बेचने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो फ्लावर को बेचने के लिए गोल्ड बेच देता है और जिसके बाद वो गोल्ड से एक आदमी को वो फ्लावर बेच देता है और वो आदमी चला जाता है उस गोल के साथ लेकर और जिसके बाद वो दोनों उस गोल से उस फ्लावर को लेने लगते हैं। वहां पर वो उन दोनों से माफी मांगते हैं और वो आदमी अपना फ्लावर उठाकर ले जाने लगता है और जिसके बाद वहां पर नूप देखता है वो इस फ्लावर को ही उठाकर ले जा रहा है जो कि इनका फ्लावर है और जिनके बाद वो बताता है ये फ्लावर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे गाँव के लिए, अगर आप इसे हमें दे देंगे तो बहुत ज्यादा कृपा हो जाएगी और गाँव के सारे लोग बच जाएंगे और वापस से हमारा गाँव काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। और जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं उस फ्लावर को लेने के लिए और जिसके बाद वो पूरे गांव में आ जाते हैं और वहां पर सारे के सारे लोग अभी भी टॉर्मेंट में बने हुए थे। लेकिन वो लोग अपना IQ लगाते हैं और उन सबको किडनैप करने बोल देते हैं और जिसके बाद वो सब किडनैप हो जाते हैं और एक जगह पर वहां पर फ्लावर को जैसे एक हाथ हिलाता था तो एक लोग ठीक हो जाते थे और जैसे ही वो अपने दोस्त को देता है ये करने वहां पर आधे लोग और ठीक हो जाते हैं। वहां पर लास्ट में बचाता है वही प्यारा सा कुत्ता और जिसके बाद उस कुत्ते को भी एक फ्लावर मारकर ठीक कर देते हैं और वहां पर वो भी ठीक हो जाती है। वो दोनों अपने डॉग और उस लड़की से जाकर गले लगते हैं और वहां पर हीरो ब्रायन की पूरी टीम बन जाती है और पूरी की टीम दिल से शुक्रिया करती है उस बच्चे को। तभी वहां पर वो पहुंच जाता है विच के पास और विच के पास आने के बाद विच बताती है बहुत विलंब हो चुका है और जिसके बाद वो फ्लावर मारता है उस लड़की पर और वो लड़की भी फाइनली ठीक हो जाती है।